नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए इंडियन आर्मी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप अपनी स्क्रीन पर देख रही है, तो जो वैकेंसी भरी जाएंगी उस पर हम आपको जानकारी देंगे। परंतु सबसे पहले जो इसमें एज और जो एलिजिबिलिटी, वो हम आपको बता देते हैं। एलिजिबिलिटी में देखिएगा, आप नेशनलिटी जो आपकी होनी चाहिए वो होनी चाहिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया और भूटान, नेपाल अगर आप हो, और तिब्बतन रिफ्यूजी हो, कम्स अंडर इन 1962 से पहले अगर आप आ गए तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप इसके लिए अनमैरिड होने चाहिए ये पोस्ट जो है, तो इसमें ये भरी जाएंगे। टीजीसी के 130 का जो बैच बैठेगा कमीशन का, तो अनमैरिड मेल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आप इसके लिए होने चाहिए, तो वो भी आपको हम बता रहे हैं। अब एज क्या चाहिए, तो एज आपकी 20 से 27 साल अगर आप है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसी के लिए। 1993 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1993 से लेकर 1 जनवरी 2000 तक जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी एज की जो गणना होगी वो 10th और प्लस 2 के जो सर्टिफिकेट है आपके, वही आपके इसमें काउंट करेंगे एज आपकी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो कैंडिडेट हुआ है पास इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो आपकी जो ये साइंस स्ट्रीम इंजीनियरिंग की होनी चाहिए इंजीनियरिंग में अगर आपने की हुई है या कोर्स कर रहे हैं और लास्ट सेमेस्टर है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। तो ये वैकेंसी भरी जाएंगी, इसमें कमीशन टाइप होगा आपका। अब जो वैकेंसी है वो कौन कौन सी है वो आपकी स्क्रीन पर ये आ रही, तो जो जरूरी है आपके लिए सोचना वही हम आपको देंगे। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की जितनी नोटिफिकेशन निकलती है वो हम आपको इस चैनल के जरिए इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसी इसमें ये भरी जाएंगी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की हो, या फिर ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हो, तो पूरी जानकारी जो हम आपको इस चैनल के जरिए दे रहे हैं। और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 42 टोटल ये 40 ही भरी जाएंगी। अब जो मेन ऑफ टाइप ऑफ कमीशन किस प्रकार से होगा, ग्रांट ऑफ कमीशन वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है। इसके लिए आपका पहले एक ट्रेनिंग होगी, इसमें आपका कोर्स चलेगा और कोर्स के करने के बाद ही आपके जो पूरी जानकारी, जिस दिन आप एकेडमी में एंटर हो जाओगे उस दिन से आपको ये पे और अलाउंस वगैरह सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। परमानेंट कमीशन होगा 90 डेट सीनियोरिटी 1 ईयर एंड डेट सीनियोरिटी 4 डेट ऑफ कमीशन विल बी ग्रांटेड टू इंजीनियरिंग ग्रेजुएट टीजीसी एंट्री इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। और ट्रेनिंग क्या होगी आपकी, ये बताई हुई है ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग 59 वीक्स, और जो मेन है इसके लिए आपको वो हम आपको बता देते हैं। इसमें फीस जो आपकी सैलरी वगैरह है वो बताई हुई है, और प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, किस प्रकार से होगा, लेफ्टिनेंट की क्या होगी, और कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल की, और ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके लिए पे क्या होगी वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और जो मेन है इसके लिए कि आप अप्लाई कैसे करोगे वो हम आपको बता देंगे दे रहे हैं अभी, ताकि आपको बाद में फिर ये ना पूछना पड़े कि कैसे आप अप्लाई करें। तो ये वेबसाइट होगी हाउ टू अप्लाई, तो आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आपने जाना है www.joinindianarmy.nic.in और ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करनी है आपने, ये रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और उसके बाद जो पूरी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं जानते, आपने पहली बार भर रहे हो, तो रिस्क ना लीजिएगा, कैफे पे जाकर आप वहाँ से भरवाइएगा, ताकि जो इसके एलिजिबिलिटी और जो पूरी जानकारी हमने आपको दी है जो आपके लिए ज़रूरी थी वो तो हमने आपको बता दी। इसके साथ भी कुछ अदर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। एक बार जो एडवर्टाइजमेंट है ये TGC का 130 का, इसको आप पढ़िएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, ना ऐसा ना हो कहें कि फिर आप रिजेक्ट हो जाए इसके लिए। और नो चेंज टू डिटेल ऑफ सबमिट एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन नंबर, रिप्रेजेंटेशन इन द रिगार्ड शैल बी एंटरटेंडेड, ये आपको बताया हुआ है। तो पूरी जो जानकारी, 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट एप्लीकेशन ड्यूली साइंड एंड अपेक्स विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मैट्रिक या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द
कंसर्न बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन विच डेट ऑफ बर्थ इन रिफ्लेक्टेड फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब कुछ जो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मेन जो था आपको वेबसाइट हमने बता दी कि आपने जाना जो है इंडियन आर्मी .nic.in, ये वेबसाइट होगी, वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ से फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार यही हम आपको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आप एक बार इस नोटिफिकेशन को आप खुद पढ़िएगा, हिंदी में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी वेबसाइट पर। तो पूरी जानकारी के लिए आप जो भी वेबसाइट हमने आपको बताई उस पर आप एक बार जो एडवर्टाइजमेंट है उसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी आपको जानना होगा या फिर आपको हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशन का, ताकि आप यहीं से आप इसको डाउनलोड कर लें। तो ये थी इंडियन आर्मी की जानकारी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, किस प्रकार से होगा आपका सिलेक्शन, पूरी जानकारी के लिए आप एक बार जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिया गया है, ये जारी किया गया है, इसको आप पढ़िएगा ताकि आपका सिलेक्शन इसमें हो सके। आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।